समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यूनिवर्सिटी की भूमि को सरकारी घोषित कर कब्जा करने वाले एसडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में तो मुकदमा चल ही रहा है। साथ ही किसान भी जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित अपनी जमीनों के वास्तविक कब्जे के लिए एसडीएम न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में अपनी जमीन होने का दावा करने वाले किसानों ने भी अब रामपुर के एसडीएम सदर के न्यायालय में मुकदमा करवा कर अपनी जमीनों पर वास्तविक कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। ये मुकदमा रामपुर के एसडीएम सदर के न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा 134 के तहत किया गया है। हालांकि पूर्व में प्रशासन इन किसानों को जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर उनकी जमीनों पर कब्जा दिलाए जाने की कानूनी कार्यवाही तो कर चुका है, लेकिन वास्तविक कब्जा दिलाए जाने के लिए किसान अब एसडीएम न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं। इस मुकदमे में अगली तारीख 19 नवंबर 2020 की दी गई है। वहीं इस मामले पर सरकारी वकील अजय तिवारी का कहना है कि एसडीएम सदर के न्यायालय में किसानों द्वारा मुकदमे किए गए हैं। 134 राजस्व संहिता में वास्तविक कब्जे को लेकर किसानों ने कहा है कि हमें जौहर ट्रस्ट से वास्तविक कब्जा दिलाया जाए। एसडीएम सदर के न्यायालय में किसानों के द्वारा मुकदमे किए गए हैं। 134 राजस्व संहिता में वास्तविक कब्जे को लेकर कि सब हमें जौहर ट्रस्ट से वास्तविक कब्जा दिलाया जाए, इसको लेकर जो है वो 5 मुकदमे विचाराधीन हैं और जो लगभग 24-25 किसानों की ओर से दायर किए गए हैं और उसमें आज जौहर ट्रस्ट की ओर से आपत्ति दाखिल हुई है और 19 तारीख जो है वो अग्रिम कार्रवाई के लिए लगी है। देखिए, ऐसा है कि यह बात सही है कि प्रशासन ने मौके पर जाकर कब्जा दिलाया था, लेकिन जो कानूनी कब्जा है, वास्तविक कब्जा है, उसको लेने के लिए जो है वो रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमे फाइल किए हैं किसानों ने। इसे लेकर 5 मुकदमे विचाराधीन हैं, जो लगभग 24 से 25 किसानों की ओर से दर्ज कराए गए हैं। उनमें आज जौहर ट्रस्ट की ओर से आपत्ति दाखिल हुई है और 19 तारीख अग्रिम कार्रवाई के लिए लगी है। सरकारी वकील ने कहा कि ये बात सही है कि प्रशासन ने मौके पर जाकर किसानों को कब्जा दिलाया था। कानूनी कब्जा, वास्तविक कब्जा लेने के लिए रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमे फाइल किए गए हैं। किसानों के इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।